डीजीपी की अध्यक्षता में हुई झारखंड पुलिस की समीक्षा बैठक। झारखंड पुलिस की समीक्षा बैठक झारखंड के पुलिस कप्तान अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बोकारो निवास में संपन्न हुई। इस बैठक में संगठित अपराध गिरोह, अपराध नियंत्रण, अवैध उत्खनन, नक्सलियों पर लगाम लगाने की कवायद पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस मौके पर अजय कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक झारखंड, मुरारी लाल मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, संजय आनंद राव लाचकर, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान, श्रीमती प्रिया दुबे, अपर पुलिस महानिदेशक आधुनिकीकरण सह प्रशिक्षण, मनोज कौशिक, पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय, अखिलेश झा, पुलिस महानिरीक्षक मानव अधिकार, अमोल वेणुकांत होमकर, पुलिस महानिरीक्षक अभियान, प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा, श्रीमती ए विजय लक्ष्मी, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक, डॉक्टर शम्स तबरेज, पुलिस उप महानिरीक्षक बजट, पटेल मयूर कन्हैया लाल, पुलिस उप महानिरीक्षक कोलांचल बोकारो संजय कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद प्रियदर्शी आलोक, बोकारो पुलिस अधीक्षक सिटी धनबाद, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धनबाद मिथिलेश, एसएसपी रांची मुख्यालय, मुख्यालय डीएसपी बोकारो मुकेश कुमार, पूनम मिंज डीसीपी ट्रैफिक बोकारो कुलदीप कुमार, सिटी डीएसपी बोकारो एसडीपीओ चास पुरुषोत्तम कुमार, एसडीपीओ बिरमो वशिष्ठ नारायण सिंह, एसडीपीओ सिंदरी, एसडीपीओ बागमारा बोकारो एवं धनबाद क्षेत्र से आए अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। धनबाद में अपराधी घटनाएं काफी बढ़ गई। तो अवैध उत्खनन, कोयला हो, बालू हो, काफी तेजी से अपराधी उसको उसमें अंदर जाते हैं और कर रहे हैं, जिसका अभी हाल फिलहाल में नंगा नाच भी हुआ। प्रशासन कहाँ फेलियर हो जाता है इन सब चीजों पर? नहीं, प्रशासन कहीं फेलियर नहीं जाता। आप स्पेसिफिक कोई उसका उद्घाटन हो, उदाहरण दीजिए कि कहाँ पर इस तरीके के, उसके अलग अलग वो फोरम बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है वो उसके अंदर बनी हुई है, जिसमें अलग अलग विभाग हैं, पुलिस विभाग है, सीआईएसएफ है, सब अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और जहाँ भी जो समस्या होती है उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है उसमें की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। सर, धनबाद में आपराधिक घटनाएँ काफ़ी बढ़ गई हैं। हमारे यहाँ जो कोयला की खदान है, उससे डिस्को कोयला का काम किया गया था, लेकिन अभी उस समय 12-14 कई टन का होता था। आज अभी के दरमियान में मुझे पुख्ता खबर है कि सारे कोयले की चोरी रैक लोडिंग से। और नो डाउट ये आप जानते हैं, समझते हैं कि हमारे राज्य सरकार को जहाँ रिवायती तो इसकी जाती नहीं है, तो इसमें आपके विभाग की क्या एक्शन, आपके विभाग क्या विभाग तो जो भी जहाँ इस तरीके की घटनाएं होती है वहाँ पर एक्टिव है, काम हो रहा है, वहाँ पर केस दर्ज किए जाते हैं, रोकथाम का। मैं रैक लोडिंग एकदम नहीं रुक रही है। मैं आपको आप स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए, जनरल स्पेसिफिक एग्जांपल मैं जमीन में जो माफिया भाकपा माओवादी के संपर्क में है सर, उसको लेकर सर क्या है? नहीं, वो सामाजिक संगठन नहीं है, वो अलग अलग तरीके के संगठन है। उसका वेरिफिकेशन जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया है, स्पेशल वॉच करती है और वो फिर उसको जांच कर रही है। क्या सर, डिस्ट्रिक्ट जिससे पुलिस की इमेज लॉस है। एक एग्जांपल के लिए 400 करीब क्वार्टर है, 5 करोड़ का बताया है पुलिस विभाग के बिना।